हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 लेकर के आए हैं और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एंगल के लिए वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये हमें क्या दिया गया, 30 डिग्री, मतलब कि एंगल दिया गया। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू याद करनी है और इस पर बेस आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो को आपको जब भी टाइम मिले तब इसको देखिएगा। आप एक बार देख लेते हैं वैल्यू को भूलेंगे, फिर देखिए ऐसे बार बार इसको 2 से 3 बार एटलीस्ट तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको 10th में आपके एग्जाम तक वैल्यू याद रहेंगी। और सिर्फ आपको 10th में नहीं, अगर आप 11th 12th में भी आप मैथ्स लेते हो वहाँ पर भी आपको याद रखनी पड़ेंगी वैल्यू। फिजिक्स में भी बच्चों बहुत जगह आप जैसे वर्क डन निकालते हो तो W=FS cos θ लगाते हो, वहाँ भी cos थीटा, तो cos के लिए थीटा डिग्री, कभी कभार आप टॉर्क निकालते हो तो वहाँ पे साइन थीटा, है ना। तो इस तरह से फिजिक्स में भी बच्चों इसका यूज होता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो जैसे टाइम मिलता आप इसको जरूर देखें, टाइम टू टाइम देखें, जब तक ट्रिग्नोमेट्री एटलीस्ट आप पढ़ रहे हो तब तक तो आपको देखना ही पड़ेगा बार बार इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते देर नहीं करते हुए, साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, अदर बच्चों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं साइन थीटा और एंगल कितना, 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, ये आपके एंगल हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वीडियो में, जैसे मैं जितनी बार बोलूँ आपको मेरे साथ वीडियो को देख के बोलना भी है अपने मन के अंदर, तभी आपको वैल्यू याद होगी। तो प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, ठीक है। एक वीडियो को देखने में आपको आधी वैल्यू तो याद हो जाएंगी, इतनी मैं आपके साथ बोल सकता हूँ कि हाँ ये जरूर होगा, लेकिन आप भूल जाओगे तो बार बार देखिएगा। फिर से आते हैं वापस कि साइन थीटा कितना है, जब थीटा 0 डिग्री आएगा तो साइन में कितनी वैल्यू होती है, साइन 0 के लिए वैल्यू होती है बेटा 0। तो मेरे साथ जल्दी से बोलो साइन 0 कितना, 0, साइन 0 कितना, 0, ठीक है। ऐसे 3-4 बार आप मन में जरूर बोलिए, साइन 0 0, साइन 30 कितना, 1/2 होता है, साइन 30 कितना, 1/2 होता है, ठीक है। साइन 0 कितना, 0, साइन 30 कितना, 1/2, साइन 90 कितना, 1। मैं डायरेक्ट जंप करके आया, अब आपने 3 वैल्यू देखी, सबसे आसान वैल्यू कौन, साइन 0 0, फिर दूसरी आसान वैल्यू कौन, साइन में साइन 90 कितना, 1, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, साइन 30 कितना, 1/2 होता है, साइन 30 कितना, 1/2 होता है। आप भी बोलते रहिए मेरे साथ ताकि वैल्यू को याद ही करना है। साइन 45 कितना बच्चों, साइन 45 होता है, 1/2 लिखते हो ना आप, 1/2 लिखो, बस क्या करो 2 पे रूट लगा दो, तो साइन 45 कितना, 1/√2, साइन 45 कितना, 1/√2, साइन 90 कितना, 1, साइन 0 कितना, 0, साइन 30 कितना, 1/2, साइन 0 0, साइन 91, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60, बस साइन में सबसे गंदी वैल्यू कह दो या थोड़ी सी डिफिकल्ट लर्न करने के लिए थोड़ी सी टफ वैल्यू यही होती साइन 60, वो कितनी, √3/2, कितनी होती बेटा, √3/2, कितनी होती, फिर से मेरे साथ बोलिए √3/2, किसकी वैल्यू, साइन 60। तो साइन में सबसे आसान वैल्यू साइन 0 के लिए 0, साइन 90 के लिए 1, सबसे गंदी वैल्यू कौन, साइन 60, कितनी, √3/2, 60 डिग्री के लिए साइन में कितनी वैल्यू, √3/2। तो इस तरह से मैंने साइन की एक लाइन बना दी है, साइन 0 कितना, 0, साइन 90 कितना, 1, साइन 30 कितना, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना, √3/2। साइन की वैल्यू जैसे याद हो जाए समझ लो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गई। इसलिए पहली लाइन को आप बहुत बार लिखिए, बहुत बार याद करिए, अपनी मन से ही टॉप पे लिखना शुरू कर दो कि साइन 30 कितना, 1/2, साइन 60 कितना, √3/2। इस तरह से आपको जहाँ भी पेन पेपर मिल जाए आप इन वैल्यू को लिखना शुरू करो बार बार और आपको ऐसे याद हो जाएंगे। पेंसिल हो पेंसिल से लिखिए और उसको स्वैप मिटा करके फिर से आप लिख करके तुरंत याद करिए, तो इस तरह से आपकी पकड़ आएगी, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा के लिए वैल्यू जब लिखोगे ना तो कुछ मत करो, ये क्या करते हैं साइन कॉस वैल्यू को इंटरचेंज करना शुरू कर देते हैं। साइन की वैल्यू यहाँ से आपने ऐसे लर्न करी तो कॉस के लिए ये वैल्यू इधर लिखना, साइन 60 वाली वैल्यू इधर 30 पे लिखना, साइन 45 की वैल्यू उसी के नीचे लिख देना, साइन 30 की वैल्यू कॉस में इधर लिख देना, कि साइन जो 0 की वैल्यू वो कॉस में 90 पे लिखना। क्या मैंने कहा, देखते हैं, जो साइन 90 की वैल्यू वो कॉस में 0 की वैल्यू होती है, तो 90 में क्या वैल्यू, 1 है, वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1। साइन 60 में √3/2 वो कितनी, कॉस के लिए ये ब्लैंक इसको भरिए, फिर 1/√2 को 1/√2 ही लिखो, 1/2 को इधर लिखो और 0 को इधर लिखो। अब देखो कॉस में वैल्यू वही है, बस आपको याद क्या रखना है कि साइन 0 तो 0 था लेकिन कॉस 0 कितना, 1, साइन 91 था तो कॉस 0 कितना, 0 होता है, ठीक है। अच्छा
कौन सी वैल्यू जो साइन का उसमें इक्वल रहती वो है 1/√2, एंगल कितना 45। तो साइन 45 को चाहे कॉस 45 को, दोनों के लिए एंगल के लिए वैल्यू कितनी रहती है 1/√2, मतलब साइन 45 1/√2, तो कॉस 45 भी 1/√2 होता है। आपने साइन कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब देखो मैंने आपको बताया था टेन थीटा के फार्मूले को कि टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर टेन थीटा होता है तो मैं आपसे कहूँ कि टेन 30 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करो, साइन 30 आपको पता हो और आपको क्या पता हो, कॉस 30 पता हो, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 है, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 1/2 साइन 30 की वैल्यू, नीचे क्या लिख दूं, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 कितना √3 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपको 1/√3 बच जाएगा। तो आपने टेन 30 की वैल्यू निकाल ली कि नहीं, टेन 30 आपके सामने आ गया 1/√3। तो इस तरह से आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब इतना सब अलग से ना करना, जैसे मैं कहूँ वैसे समझना। आप साइन में कॉस की वैल्यू का डिवाइड कर दो, टेन थीटा आ जाएगा। अगर आपने कहा टेन 30 निकालो तो 30 पे आएंगे, साइन में 1/2, कॉस में कितना √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, साइन का 1 और कॉस का √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने साइन 30 कैसे निकाला। अब टेन 30 कैसे निकाला, अब टेन 45 पे जरा आते हैं। तो साइन अपॉन कॉस दोनों की वैल्यू इक्वल, तो पूरा जितना ये लिखा उतना ये लिखा, तो पूरा ये पूरा कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया ना, तो टेन 45 कितना आएगा 1। देखो टेन में सबसे आसान वैल्यू कौन सी आ गई, 1, वो कितने के लिए होती है 45 के लिए। साइन कॉस में 45 कितना होता है इक्वल, वो कितने के बराबर 1/√2 1/√2। अब इधर भी देखते हैं टेन 60, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच्चा, साइन का ऊपर वाला पार्ट और कॉस का ऊपर वाला पार्ट, यानी √3/1, और √3/1 को क्या कहोगे, √3 ही बोलोगे। इतनी वैल्यू हमने तीन आसानी से निकाल ली। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, जब साइन 0 है 0, कॉस 0 है 1, जब टेन 0 निकालोगे तो 0/1 करोगे, और 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है ना, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया, टेन 0 कितना आ गया 0। लेकिन जब आपने कहा 90 के लिए वैल्यू निकालो, तो साइन की वैल्यू 1 हो गई, कॉस की वैल्यू 0। आपने पढ़ा था पी वाई क्यू फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर यानी क्यू 0 ना हो, बट यहाँ तो 0 है, तो अगर 0 होता तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, या तो इनफाइनाइट बोल देते हैं, ऐसा सिंबल, ठीक है, 8 जैसा लेटा हुआ लग रहा ना, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि डिवीजन जो होता है 0 से कभी डिफाइन ही नहीं किया गया। आपने कभी किसी भी क्लास में 0 से टेबल दे करके डिवाइड नहीं किया किसी नंबर को, तो कभी भी 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो इसकी वैल्यू आप जो भी लिखना चाहो, आपकी बुक में अगर नॉट डिफाइंड है तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड लिख लेना, ठीक है। कितने का आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड, 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, या इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट। याद रखना कब इनफाइनाइट बना, जब आपने लिखा था 1/0, ठीक है, तो डिवाइड में 0 था, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो हम कभी नॉट डिफाइंड लिखेंगे या इनफाइनाइट, जैसे काम पड़ेगा वैसे लिख लेंगे। अब आते हैं कॉसिक की वैल्यू निकालते हैं। कॉसिक थीटा क्या होता था, आपने वो भी पढ़ा होगा कि कॉसिक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो आपको रेसिप्रोकल फंक्शन की भी वैल्यू आनी चाहिए कि कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू अगर पता है तो कॉसिक की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टे में, मतलब अगर आपको कॉसिक 30 निकालना है तो 1/sin 30 लिखोगे, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, हो क्या जाएगा 2। तो आप बस इतना करो कि साइन की वैल्यू निकालने के अगर पता है तो कॉसिक की वैल्यू निकालोगे तो क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, अगर कहीं फ्रैक्शन हो, जैसे कि मैंने कहा साइन 30 है तो आप 2 को ऊपर कर दो 1 को नीचे कर दो, तो किसकी वैल्यू निकाल आई, कॉसिक की। क्यों, क्योंकि कॉसिक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉसिक 0 कैसे निकालोगे, 1/0 करोगे ना भाई, 1/ उल्टा करोगे 0 को, तो 1/0 लिखोगे, और 1/0 पे अभी हम बात कर चुके, तो उसको हमने क्या लिखा था, इनफाइनाइट लिखा था या फिर नॉट डिफाइन लिखा था। क्या लिखा था बच्चों, हमने इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NDE, ठीक है।
तो आप इसको याद कर लेना कि कॉसिक जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मैं सब मिटा रहा हूँ, मतलब की बात लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइन कह दो इसको, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी है, तो क्या है साइन 30 होता है 1/2, तो अब कितना 2/1, किसके लिए, कॉसिक के लिए, कॉसिक के लिए कितना हो गया 2/1, 2/1 कितना होता है 2 होता है। आप 45 में आते हैं, कॉसिक 45 निकालोगे तो साइन 45 1/√2, तो कितना √2/1, मतलब √2। कॉसिक 60 कितना √3/2, तो साइन हो गया। अब इसका उल्टा करो तो 2/√3, किसकी वैल्यू आ गई, कॉसिक 60 की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करोगे उल्टा, 1/1, तो 1/1 तो 1 ही होता है, मतलब साइन 90 भी 1 होता है, कॉसिक 90 भी 1 होता है। अब आते हैं सेक पे, सेक में अगर लिखना, जैसे हमने साइन की वैल्यू लिखी थी, जब कॉस की वैल्यू निकाली तो क्या करा था, 1 को इधर लिखा था, √3/2 को इधर लिखा था, इसको यहीं पे, इसको इधर, और 0 को इधर लिखा था। ऐसे कॉसिक की वैल्यू जब आपको पता चल जाए, तो अगर आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, इसको यहाँ पे, और 2 को इधर, ऐसे सब वैल्यू फिल कर दो, ठीक है। तो 1 को हम इधर लिख देंगे, किसकी वैल्यू आ गई, सेक 0 की, कॉस 0 भी 1, सेक 0 भी 1, ठीक है। 2/√3 को यहाँ पर लिख दो, √2 को यहीं पर बना रहने दो, 2 को इधर लिखो, और ये क्या है, इनफाइनाइट है। कॉसिक जो जीरो की वैल्यू, वो सेक किसकी चली जाएगी, 90 के लिए, कितना, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो आप क्या करो, कॉट की वैल्यू जब निकालो तो टेन की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो जीरो को उल्टा करोगे तो 1/0 करोगे कि नहीं, कितना आएगा, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, कब, कॉट 0 के लिए। अब आप 10 की ये वैल्यू है, इस पे, इस लाइन पे ध्यान रखना, ठीक है। तो 1/√3 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा। 1 को उल्टा करोगे मतलब 1/1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। √3 को जब करोगे तो कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। और 1/∞ एक्चुअली 1/∞ कब बना था, जब आपने 1/0 बोला था, ठीक है। तो 1/0 को जब उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 0 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, उल्टा लिखोगे तो मतलब 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 0 आ गया, या फिर आप 10 की वैल्यू पता है ना, तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमने उल्टा किया, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते थे कि कॉट थीटा निकालना है तो आप क्या करो, कॉसिक में किसको डिवाइड करोगे, सेक को डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाई, तो आई थिंक आपको ये टेबल जितनी जल्दी याद हो जाएगी, उस पर बेस आप अगली एक्सरसाइज फिर कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में इस वीडियो को जल्दी से इसका ओवरव्यू आपको देख रहा हूँ, कैसे आप वैल्यू याद करते हो, साइन 0 कितना 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 60 कितना √3/2, साइन 90 कितना 1, साइन में 90 के लिए वैल्यू कितनी 1 होती है, तो ऐसे भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को 2 से 3 बार जब देखोगे, बार बार देखोगे, साथ ही साथ मैंने जैसे बताया है वैसे आप निकालना जरूर, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, प्रैक्टिस करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक आज के लिए, नेक्स्ट मिलेंगे बच्चों, थैंक यू।